ये हमारा योग शिविर है जहाँ की पूरे हिंदुस्तान के हमारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ आते हैं और यहाँ इमरजेंसी केयरिंग ट्रेनिंग लेते हैं, थ्रेटिकल प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट। वो जीवी के एमआरआई में यही होता है, मरते हुए को बचाने के लिए, और इसके लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। हमारा जीवी के एमआरआई जो हमारे परम आदरणीय माननीय मानवरत्न डॉक्टर जी वी कृष्णा के द्वारा नियोजित है, स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, और गवर्नमेंट जितने भी हिंदुस्तान के हैं जहाँ जी वी के एमआरआई काम कर रहा है उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी दोनों मिलके इस व्यवस्था को चला रहे हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके बैकबोन ये बच्चे हैं, जो भी हमारे बच्चे आते हैं वो पायलट होते हैं, वो इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियन होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, और तरह तरह के लोग होते हैं जो सारे काम करते हैं जिससे कि हमारी संस्था अपने लक्ष्य को पाती है। सेंट सिरिचन केयर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हमारा कॉल सेंटर में कॉल आता है कि यहाँ दुर्घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, वो कॉल मिलते ही हम वहाँ रीच करते हैं आपके द्वारा। हमारे EMT अपने पायलट को बोलते हैं कि हमें यहाँ इंस्ट्रक्शन मिला है, यहाँ एक दुर्घटना हुई है, तो वहाँ जाते हैं। ये चार होते हैं, एक EMT होता है, एक पायलट होता है और दो अटेंडेंट होते हैं, और हमारी गाड़ी में एक घूमता हुआ एक हॉस्पिटल होता है जहाँ सारी सुविधाएं होती है, तो उसके आप इंचार्ज होते हो, समझ रहे हो क्या? हमारे EMT होते हैं वो इंचार्ज इन चीफ होते हैं, उनके हाथ में पूरी ताकत होती है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, और हम हजारों करोड़ों जो खर्चा कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु होता है हमारा EMT। अगर वो अच्छा किया तो बाजीवी के ये हमारा, अगर वो ठीक से काम नहीं किया तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि काम करने वाले आप ही हो, फील्ड मार्शल आप ही हो। आपके सक्सेस से हमारे जीवी के इमारत का सक्सेस होता है, और सक्सेस होने के लिए आपको दिमाग को संतुलित करना है, नियंत्रित करना है, डिसिप्लिन करना है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल करना है। उसके लिए एक ही माध्यम है, योगा। क्या है? योगा नेचुरोपैथी। इसीलिए परम आदरणीय मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी अपने जितने भी यहाँ के वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर रमना राव, डॉक्टर कृष्णम राजू, उनसे बातचीत करके आप लोगों के लिए आपको दिमाग को नियंत्रण करने के लिए ये योगी वीरेंद्र योगी इलाहाबाद हिंदुस्तानी को प्रस्तुत किया है, जो आप में चेतना की जागृति करे। आपको एक जस्ट शरीर से दिखने वाला मनुष्य को एक महायशस्वी प्रतापी कर्मवीर बना दे, जो कि अपने जीवित दायित्व को समझे और अपने जीवन में कुछ अद्भुत ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारे जीवी के हमारे का लक्ष्य प्राप्ति हो। आप बोलोगे सर ये योगा से क्या होगा? योगा तो योगियों को करना चाहिए, हर व्यक्ति को योगी होने चाहिए। योगी वो है जो शरीर से सबल है, क्या वर्मा जी? योगी कौन है जो शरीर से सबल हो? बोलिए, जोर से बोलिए, जो शरीर से सबल हो और मस्तिष्क से ज्ञानी हो, विचारवान हो, बुद्धिमान हो, जिसमें कार्य करने की कुशलता हो, जो स्वार्थी नहीं हो, जो लोभी नहीं हो, जो लालची नहीं हो, जो दूसरों के लिए जीता हो और दूसरों के लिए मरता हो, वही व्यक्ति योगी होता है, कर्मवीर होता है। और योग विद्या पाने के लिए आपको बहुत तरह का योग होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग, हठ योग, भक्ति योग। तो जो महान योगी होता है वो सारे योगों को मिला जुला के काम करता है। योगी कभी फेल नहीं होता, योगी अपने लक्ष्य को पाता है, क्योंकि उसका दिमाग उसके नियंत्रण में है। जिस तरह आप 108 व्हीकल को चलाएंगे तो अगर पायलट परफेक्ट है तो कभी एक्सीडेंट नहीं हो। इसीलिए जो योगी होता है, जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप कभी भी अपने काम में फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी शक्ति आपकी मस्तिष्क की शक्ति है। उस मस्तिष्क की शक्ति को नियंत्रण में करने का नाम योग विद्या है। बोलो बालक मिश्रा, क्या है? क्या योग विद्या है? मस्तिष्क को नियंत्रण करना, शरीर को सबल बनाना, शरीर में कोई बीमारी नहीं होना, उसके लिए आसना और प्राणायाम करना। क्या करना? आसना और प्राणायाम, और मस्तिष्क को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए धारणा ध्यान करना। क्या करना वर्मा जी? मिश्रा जी क्या करना? उसको मेडिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिटेशन करना। और एक चीज सुना होगा कि बार बार जिस काम को सोचते हो, बार बार जिस काम को करते हो, वो तुम्हारी आदत बन जाती है, और जो आदत होती है वही तुम्हारा चरित्र बन जाता है। चरित्र का निर्माण होता है सोच से। जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे, वैसा करोगे, और करत करत अभ्यास के तुम्हारा दिमाग में लीक आ जाएगा, और तुम वही काम करते रहोगे।
जैसे हमारे परम आदरणीय मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी हमेशा उदारचित है, हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, हजारों करोड़ रुपया लोगों की भलाई में लगा देते हैं। जीवी के हमारे में काफी उनका खर्चा हो रहा है, लेकिन खुशी होती है उनको जबकि वो मरते हुए को बचाते हैं, मरते हुए को जिंदगी देते हैं, एक परिवार को बचाते हैं। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति जब एक मर जाएगा तो पूरा परिवार मर जाता है। तो इतना बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं, और केवल मनुष्य के लिए नहीं पशुओं के लिए भी उन्होंने शुरू किया है। उसका जो टोल फ्री नंबर है 1962 क्या है, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जो माँ प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का टाइम आ गया, उसके लिए 108 उन्होंने शुरू किया है, क्या किया है, और श्रीलंका में भी उन्होंने शुरू किया है 1990 क्या। ये सारे क्या है, मानवता के कल्याण के लिए, आत्म सर्वभूतेषु क्या वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसे महापुरुष के करीब आप आ गए जिनका नाम है गणपति वेंकट कृष्ण रेड्डी। तो उनके आशीर्वाद से योगी वीरेंद्र योगी आपको सेवा प्रदान कर रहा है, इसका सदुपयोग करिए। और इसका लक्ष्य सुना देता हूं एक गाने से, खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान। मिश्रा बोलो, खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए इंसान। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ये दिल जमाने के लिए। बाजार के जमाने से कुछ भी ना हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। मरते हुओं को बचाने के लिए, बुझते हुओं को जलाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तो जी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए ये तो क्या जी। समझ रहा है क्या? तो योग विद्या तुम्हें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देती है, तुम्हें आत्मविश्वास पैदा करता है, तुम्हें लोगों के कल्याण के लिए सेवा करने की भावना जागृत करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। समझ रहे हो? जितने भी महान व्यक्ति हुए, लोगों के कल्याण के लिए वैज्ञानिक बने, साहित्यकार बने, कवि बने, लेखक बने, आध्यात्मिक गुरु बने, रामदेव बने, डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी बने, सारे लोग मानवता के कल्याण के लिए ज्ञान हासिल किया। आप उन महान लोगों के श्रेणी में आज जा रहे हो। आप भी EMT का कोर्स करके एक अच्छा सा मिनी डॉक्टर बनो। ध्यान से सिद्धांत को समझो, फिर उसको प्रयोग में लाओ, स्किल डेवलपमेंट करो, और एक ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार व्यक्ति होके मानवता के कल्याण में लग जाओ, तभी तुम्हारा जीवन जीवन है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मेरे दोस्तों, दूसरों के जीने के लिए तुम्हें कार्य क्षमता, कार्य कुशलता आनी चाहिए, और उसके लिए तुम्हारे दिमाग को नियंत्रण में करना चाहिए। इसीलिए ऋग्वेदों में गायत्री मंत्र मिश्रा सुनाएगा। बोलो मिश्रा, क्या है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवत्स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। इस गायत्री मंत्र में कृष्ण ने गीता में कहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मंत्रों में गायत्री मंत्र हूँ, सर्वोत्तम मंत्र हूँ। इस मंत्र में यही कहा गया है जो योग विद्या का लक्ष्य है, हमारी बुद्धि प्रखर हो, हमारी स्टिमुलेट माई इंटेलिजेंस, स्टिमुलेट माई। योग विद्या तुम्हारी बुद्धि को स्टिमुलेट करती है, इंटेलिजेंट बनाती है।
और शरीर को सबल करती है। समझ गया? योग चित्तवृत्ति निरोधा, बोलिए। योग अपने चंचल मन को बस में करके और उसको एक खास दिशा में लगाना है और फिर महानता को प्राप्त करना है। आज तुम डॉक्टर बनने आए हो बेटी और बेटो, इसीलिए मन से किताब को पढ़ो, बुद्धि का सहारा लो, समय बर्बाद मत करो, आपस में गपशप करके समय नुकसान मत करो, समय तुम्हारा जीवन है। कल करे सो आज कर, आज करो सो अब, क्षण में पड़ली होगी बहुर करे कब, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल बसे एक बंधे गंजीर, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। बोले बेटी, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। अगर साहस है, अगर जोश है, जज्बा है, तो तुम महान बन सकते हो, एक महान डॉक्टर बन सकते हो। उसके लिए योग विद्या आवश्यक है। हम तुम्हें आसना सिखाएंगे, प्राणायामा सिखाएंगे और मेडिटेशन सिखाएंगे दूसरे लेक्चर में, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया ना आपको क्लास जाना है। तो अभी क्या करेंगे, चेंटिंग करेंगे। खड़े हो जाओ, बैठने का अभी मैच है। मैं निवेदन किया हूँ अपने जो हमारे महान डायरेक्टर्स लोग हैं कि थोड़ा मैच दे दीजिए, जब ये लोग बच्चे आते हैं पैसे ले लीजिए, मैच दे दीजिए, 250-250 का होता है, तो बैठ के हमारे साथ योगा कर सकते हैं। ठीक है? तो देखो, एक ओम ऐसा शब्द है जो सबसे पहले प्रकट हुआ इस ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मांड की रचना हुई, तो उसको हम ओम करेंगे और शांति मंत्र का जाप करेंगे। बैठना मुश्किल होगा, खड़े रहो, लेकिन इस मुद्रा में आ जाइए। बेटी मुद्रा में आ जाओ, ऐसा करो, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, ऐसा दोनों अंग उठे, ज्ञान मुद्रा, ऐसा हाथ पैरेलल करो, आंख बंद कर लो, ओम अपने मस्तिष्क में त्रिनेत्र में रखो, यहाँ त्रिनेत्र पर फोकस करो, सीधा खड़ा हो दोनों पैर पर, पोस्चर इसको बोलते हैं, और हाथ ऐसे बालक मेरी तरह हाथ, मेरी तरह हाथ, अरे क्यों नहीं से मुरो भाई, और इसमें बोलो जो मैं बोलूंगा पीछे पीछे बोलो। मिश्रा तुम्हें आता है शांति मंत्र? नहीं आता है, चिंता मत करो, मैं बोलता हूँ उसको बोलना। चलो देखो, ओम तीन लेटर से बना है, क्या है? पहले देखो मेरी तरह, समझ रहे हो? तो इसको तीन बार बोलेंगे, फिर शांति मंत्र बोलेंगे, आता है तो कहो, नहीं तो सीखो, अभी सीखने आप लोग आए हुए। तो देखिए, ओ जोर से बोलिए, ओ सीने में सांस भरिए, लंग्स में गहरी सांस लीजिए धीमी गति से, शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका हिंदी सारण से ही है कि सभी खुशहाल हो, सभी निरोग हो, सभी के जिंदगी में आनंद हो, सभी को बिल्कुल प्रभु की तरह कार्य करने की क्षमता हो और इच्छा शक्ति हो। देखो कितनी बड़ी इसमें मानवता के कल्याण के लिए शब्द है। मिश्रा क्या है ये? सबका कल्याण हो, सबका जय हो, सब निरोग रहे, सबके दिल में सुविचार आए, सब मिलजुल के रहे, कभी कोई विरोध नहीं करे, कभी कोई काई कलबल नहीं करे, काम क्रोध मद लोह मोह को नियंत्रण में कर ले, सत्य न्याय प्रेम शांति के अहिंसा पर चलता रहे। समझ रहे हो? ये योग विद्या है, समझ गए? जो योग विद्या का अध्ययन करेगा, आचरण करेगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। बोलो वर्मा बेटी, बोलिए। जो योग विद्या का स्मरण करेगा, अभ्यास करेगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी कुकर्म नहीं करेगा, कभी कुछ कुविचार नहीं लगेगा। बोलो, कभी कुविचार नहीं लाएगा। वो मानवता के कल्याण के लिए फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हमेशा जागृत रहेगा और प्रोग्रेसिव रहेगा। हर दिन को अपने जीवन का अंतिम दिन समझेगा।
और सामने कहेगा व्हाट आई हैव डन। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डे बाय डे, बोलिए डे बाय डे इन एवरी वे वी आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली इमोशनली, वी विल वॉक इन हार्मनी, वी विल स्पीक इन वन वर्ड, हम एक साथ मिलकर चलेंगे, हम एक स्वर में बोलेंगे सत्यमेव जयते। हमारा मानसिक संतुलन हमेशा बना रहेगा, हम कभी भी सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के पथ से विचलित नहीं होंगे। हम अपने दिमाग का फाटक सारे बुराइयों के लिए बंद कर देंगे। काम क्रोध मद लोभ मोह पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, यही योग विद्या है। अब ओम का चिंतन करो जैसे मैं करूंगा, एक बार देख लो। ओम शांति, बोलिए ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। आपका धन्यवाद करता हूँ, आप बहुत ही विवेकशील विचारवान महान व्यक्ति है, आप में क्षमता है, आप में इच्छा शक्ति है, इसका प्रयोग करके अपने जीवन को बहुत ही विकासशील बहुत ही मर्यादित बहुत ही सम्मानित एक भारत माता का सुपुत्र और सुपुत्री बन के अपने राष्ट्र का निर्माण करिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करिए और सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। जब आप सुविचार से चलेंगे तो मानवता को ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है। आपका जय हो, आपका कल्याण हो, लेकिन आप ईमानदार रहिए, वफादार रहिए, कभी धोखाधड़ी नहीं करना। जीवी के महाराज जो आपको दे रहा है, भले पैसे कम दे रहे हों लेकिन एक अवसर दे रहा है, उसके लिए जीवन भर आभारी रहेंगे। तो एक प्रतिज्ञा के लिए हम जीवी के महाराज के सारे कार्यकर्ता नर और नारी ईश्वर का शपथ लेते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि आजीवन जीवी के महाराज के प्रति हमारा सादर सम्मान भक्तिभाव निष्ठा रहेगा, क्योंकि इन्होंने ही पहले हमें एक रोजगार का मौका दिया है, रोटी कपड़ा मकान की समस्या करने का अवसर दिया है। बोलिए रोटी कपड़ा मकान, इसीलिए बोलिए हम अपने परम आदरणीय चेयरमैन सर का आभारी हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इतना सारा व्यवस्था किया है हमको प्रशिक्षण करने का और हमें ज्ञान देने का, इसके लिए डायरेक्टर साहब डॉक्टर रमना राव डॉक्टर कृष्ण राजू और जितने भी यहाँ के लोग हैं सबों का आभारी हूँ। हे प्रभु हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें निष्ठा दो, हमें ज्ञान दो, हमें विवेक दो कि कभी भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम बने। ओम शांति ओम शांति।